बदगम सन्मुमनांसी जानगा देवाभागं यथा पूर्वे संगनानां उपासते आदर सम्मान की योग्य उतरोला आर्य समाज के माननीय प्रधान जी मंत्री जी तथा समस्त कार्यकर्ता और अधिकारी वर्ग हमारे इस समाज के भूतपूर्व प्रधान वैसे भूत मैं भी हूँ घबराना मत हम लोग चिपकने वाले भूत नहीं है भूतपूर्व प्रधान और खुशी की बात है हमारे नगर के भाजपा के अध्यक्ष बाबू सुरेंद्र जी और भी खुशी की बात है कि माननीय चेयरमैन साहब कल से निरंतर समय दे रहे हैं मैं इनका जितना भी धन्यवाद दूं उतना ही कम और थोड़ा है उन्होंने शाम के वक्त भी समय निकाला और इस समय भी जबकि सोने का समय होता है 9 बजे से लोग सो जाते हैं लेकिन आज माननीय चेयरमैन साहब ने भी नींद को थोड़े देर के लिए पुशिंग करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं इसलिए मैं जितना भी धन्यवाद दूंगा उतना ही कम और थोड़ा होगा और आपका सानिध्य हम विद्वान जनों को और हमारे श्रोता जनों को मिल रहा है इसलिए हम सब के सब आपके आभारी हैं हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज जिनके साथ मेरा बड़ा ही पुराना संपर्क है मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ लगभग 30 साल से इनके साथ भी मेरा संपर्क है 28-30 साल से और ये अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो उस गाजी को छक्का छोड़ाने में या गाजी की छक्का छोड़ाने में लगे हुए हैं बहराइच में कि जिन्होंने पूरा जीवन इस ऋषि मिशन के लिए समर्पित किया हुआ है वैदिक नाद बजाते हुए हमारे पूज्य स्वामी भगवान दीन जी अब तक केवल बहराइच में ही नहीं अपितु आसपास के सभी जिलाओं को आप समय देते हैं लेकिन हमारे आर्य समाज में मूल्यांकन नहीं है मंत्री जी बुरा मानिएगा आप अपने पास रहेंगे हमारे ऊपर नजरे वाला नहीं है और महेंद्र पाल की पहचान यही है स्पष्ट वक्ता और स्पष्ट लेखक 30 साल से मैं अपना यही पहचान बनाया हूं समाज में हमारे यहां मूल्यांकन नहीं है कि स्वामी जी ने जो काम आर्य समाज के लिए किया है उस गाजी को लेकर के वो सम्मान इनको नहीं मिला ना आर्य समाज ने वो सम्मान दिया है अस्तु वो तो मैं भी मुक्त भोगी हूं लेकिन मैं जब चला था मैं अकेला था इस समय मेरा काफला बन गया हमारे कपिल बाबू जैसे बहुत सारे बाबू मेरे साथ यहां लगे हुए हैं इंटरनेट के माध्यम से मैं जब चला था तो मैं अकेला था हमारा पूरा काफिला बन गया है और परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि समग्र विश्व के आंगन में कहीं पर भी कोई हिंदू घराने के लड़का हो या लड़की मुसलमान बन जाते हैं सबसे पहले महेंद्र पाल को ही याद किया जाता है केवल भारत में ही नहीं अरब कंट्री में भी आपके यहां पर ही एक चौहान साहब हैं वो भी कतर में रहे
और उसे बाद में परिचय हुआ। और कतर में मेरा कम से कम 16 आदमी को मैंने तैयार किया हुआ है। वहां पर तो एक रिक्शा वाला भी इस्लाम का दावा देता है। और आपके चौहान साहब आपके इसी पड़ोस में ही रहने वाले हैं। क्या नाम है उनका? जय प्रकाश जी चौहान। अरब कंट्री में रहे, कतर में रहे, दोहा में। और उसी दोहा में मेरा 16 आदमी मैंने तैयार किया हुआ है। और उन्होंने हजारों हिंदुओं को मुसलमान होने से बचा रखा है। इनको भी दावत दी गई। और केवल दावत भी नहीं, इनको एक किताब पकड़ाया है, अरकान इस्लाम। ये जय के प्रकाश करने वाले हैं। इस्लाम वालों ने इनको पकड़ाया, इस्लाम के अरकान, यानी इस्लाम का खंबा क्या है, खूंटी क्या है, सुतून क्या है, भित क्या है, बुनियाद क्या है। लेकिन वो भी अरबी अक्षरों के साथ साथ नेपाली भाषा में छापा। वो पुस्तक लेकर के कल आए मेरे पास कि पंडित जी इसमें क्या लिखा है, हम तो समझ नहीं रहे। तो मैं तो पहले उनसे कहा कि आप समझ नहीं रहे तो इसको लिया क्यों आपने। बोले लोगों ने तो जबरदस्ती पकड़ाया। इस्लाम का प्रचार है, इसको सीखो जानो। और मैं हिंदुओं से पूछता हूं कि हिंदू घराने के कौन ऐसे लोग हैं जो इस्लाम को दे रहे हैं, कागज पकड़ा रहे हैं, कागज पर्चा ही पकड़ा रहे हो, ये यही वाला दे। ऐसा कोई पर्चा इस्लाम वालों को पकड़ाया कोई हिंदू भाई इसको पढ़ करके दे, हिंदू बन सकता कि नहीं? ये काम हिंदुओं से नहीं होना है और न कर पा रहे हैं। आप कहेंगे हमें करने की आवश्यकता नहीं, वो तो इलियास कह रहा है। आप कहेंगे कि हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, वो तो इलियास कह रहा है। और इलियास के कहने पर मुसलमानों ने दावा ठोका है। और इस बार इलियास क्या कह रहा है वो तो मैं आप लोगों को कल सुना चुका हूं। फिर भी मैं आप लोगों को ये बता दूं कि सच्चाई पर सबने मिल करके पर्दा डाला है। सच्चाई को स्वीकार किया नहीं और ना सत को अपने पास आने दिया। अभी ये बच्चियों के द्वारा जो गीत सुन रहे थे उस गीत में बुद्ध ने शांति का संदेश दिया। अरे बुद्ध ने तो गड़बड़ गाड़ा किया है, बुद्ध कहां जानता है शांति कहां है। पर हमारा मन तो चूचू का मुरब्बा बना हुआ है, जो जिसके मन में आता हो बोल देता है। यहां ना तो वैदिक सिद्धांत के जानकार विद्वान है, ना वैदिक सिद्धांत का प्रतिपादन आर्य समाज के अधिकारी करवाना जानते हैं, ना खुद इनको पता है वैदिक सिद्धांत क्या है। आप कहेंगे कैसा बुद्ध ने कहां अशांति किया, मैं एक प्रमाण दे रहा हूं। और जिम्मेदारी के साथ बोलिएगा, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, अगर मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे तो संकेत देने में, बोलने में, सहमति जताने में टैक्स लगेगा नहीं। वो तो टैक्स आप लोगों ने दे दिया जेब खाली करके, जो टैक्स देना था वो तो दे चुके हैं, उससे क्या मिला ये मैं नहीं जानता। लेकिन सच क्या है वो सुनिए। बुद्ध को धर्म बौद्धिक धर्म बोला जाता है या नहीं? मैं हाथ जोड़ रहा हूं, विनती कर रहा हूं, पांव पड़वाना हो वो भी मैं आ रहा हूं, पर जुबान खोलो एक बार। बौद्धिस्टों को बौद्ध धर्म कहा जाता है या नहीं? बौद्ध धर्मी कहा जाता है या नहीं? अच्छा ये इसका नाम क्या था पहले? सिद्धा। बहुत सुंदर। देखिए पढ़े लिखे लोगों में बात करने में यही मजा आता है, पढ़े लिखे लोगों में बात करने में यही आनंद आता है कि ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता, नहीं करना, बिल्कुल सटीक मिल जाता है। इसलिए मान्यता यह है कि जैसा वक्ता को विद्वान होना चाहिए वैसा ही श्रोताओं को बुद्धिमान होना चाहिए। एक शब्द में बात करेगा तो हमारे भाई ने कहा कि इनका नाम पहले सिद्धार्थ था
अच्छा बंधु जर विचार करना, जब ये सिद्धार्थ थे तो उस समय धरती पर कोई बौद्धिस्ट था क्या? नहीं। तो इसका मतलब बौद्धिस्ट कौन बने? बौद्धिस्ट बने कौन? बुद्ध बने, और बुद्ध ने बनवाया। बौद्धम शरणम गच्छामि। गच्छामि, लोग बुद्ध के शरण में आए। अच्छा मैं फिर विनती कर रहा हूँ आप लोगों से कि आज तक वो सिद्धार्थ सिद्धार्थ बना रहता होता तो धरती पर कोई बौद्धिस्ट होता क्या? तो उन्होंने जिनको बौद्धिस्ट बनाया, बौद्धिस्ट बनने से पहले वो लोग क्या थे? है हालांकि हमारे बाबू सुरेंद्र जी प्रधान रहे आर्य समाज में, तब भी गलत बोल रहे हैं। आर्य बनाया जाता किरण मंत्रेश्वर आर्य बोलते हैं, आप तो आर्य बनाते हैं, तो आर्य थे तो फिर बनाना ही पड़ेगा। इसलिए देखिए आज यद्यपि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि ये परावर्तन और शुद्धि और ये वो दुनिया भर का जो कुछ भी करे, लेकिन कानून के दायरे में आएगा, मैं बख्शूंगा नहीं किसी को। अब वो सच्चाई के परत को मैं खोलना चाह रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, और आप लोग मेरी बातों को समझ कर सहमति जताएंगे तो मैं भाव विभोर कर दूंगा, इतना कॉन्फिडेंस मैं अपने ऊपर भी रखता हूँ। तो मैंने निवेदन किया कि जो लोग बौद्धिस्ट बने हैं उस समय, तो बौद्धिस्ट बनने से पहले वो कुछ ना कुछ थे, चाहे कुछ भी रहे। हाँ जी, कुछ ना कुछ वो थे और उन लोगों को बौद्धिस्ट बनाया। अब जिन लोगों को बौद्धिस्ट बनाया उनके और घर वाले हैं रहे या नहीं है? तो किसी के घर से निकाल कर आप किसी को कुछ बना देंगे तो उनके घर वाले संतुष्ट होंगे या असंतुष्ट? असंतुष्ट। तो शांति फैलाया या अशांति? अशांति। अशांति फैलाने का काम किसने किया? बुद्ध ने। बुद्ध कहां जानता अशांति होता क्या? वो तो घंटी बजा करके बताते हैं, घंटी बजाओ शांति, घंटी बजाने शांति मिलती है क्या? वो बैराज वाले जानते हैं, जब तक अश्रावस्थ में ऐसा घंटी बजाने से शांति नहीं मिलती है। पर बंदो याद रखना, आदि गुरु शंकराचार्य के वेद प्रचार से ये लोग टिक नहीं पाए, ना बोधि ना जैन। ये मत समझिएगा कि ऋषि दयानंद ने ही केवल मूर्ति पूजने से मना किया, आदि गुरु शंकराचार्य मूर्ति पूजक नहीं थे। आदि गुरु शंकराचार्य अपने जीवन काल में न मालूम कितनी मूर्तियों को तोड़े, और उन्होंने राजा महाराजाओं से संपर्क करके उन राजाओं के द्वारा मूर्तियों को तोड़वाते रहे, और जो राजा ये काम नहीं करते थे उन राजा को दंड की व्यवस्था आदि गुरु शंकराचार्य की दी हुई थी। अगर विश्वास ना हो तो सत्कार प्रकाश के 10वां संवत को 11वां संवत केवल इतना ही नहीं, आदि गुरु शंकराचार्य के भाई मेरा अंत मत बिगाड़ो। आदि गुरु शंकराचार्य के मूर्ति तोड़ना देख कर जैनियों ने मूर्तियों को मिट्टी के अंदर यहाँ वहां छिपा छिपा कर रखते गए। आज पुरातत्व विभाग के माध्यम से जो खुदाई में मूर्तियां मिल रही है ये उसी काल में ही छुपाई हुई मूर्तियां है। जैन लोग विचलित हो उठे आदि गुरु शंकराचार्य के इस कार्य को देखकर, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य के सामने यानी वेद के सामने कोई भी टिक
नहीं पाएगा, क्योंकि वेद स्वतः प्रमाण है, प्रथा प्रमाण है। टिक नहीं पाया तो जैनियों ने षड्यंत्र रचाया। दो जैनी शंकराचार्य के पास शिष्य बनने के लिए आए, लेकिन शंकराचार्य नहीं जान पाए, नहीं समझ पाए थे कि ये छल और कपट कर सकते हैं, और छल और कपट करते हुए शंकराचार्य को जहर दे करके इन जैनियों ने मारा है। इनको हमारे गुरु को यही कारण बना कि आदि गुरु शंकराचार्य को वेद उद्धारक इसीलिए कहा गया है कि वेद का प्रचार ऋषि दयानंद का नहीं था। अरे वेद का प्रचार तो बहुत पहले से ही चलता आया है, आदि गुरु शंकराचार्य ने पूरा जिंदगी लगाया उन्होंने वेद प्रचार में, लेकिन जैनियों ने षड्यंत्र रच करके आदि गुरु शंकराचार्य को जहर दे करके मारा है। इतना बड़ा नुकसान जैनियों के द्वारा हुआ है, और ये शांति का प्रतीक बनवाते हैं, मुंह में कपड़ा बांधे, मुंह में क्यों स्वाइन फ्लू ना फैले, मुंह में कपड़ा क्यों बांधे, कीट पतंगे मुंह में ना जाने पाए, और कोई छिद्र नहीं है मुंह के अलावा, नौ दरवाजे हैं, केवल इतना ही नहीं बंधु, मैं छोटा छोटा उदाहरण दे रहा हूं कि हम और आप यहाँ पर जितने भी बैठे हैं कोई एक मनमानी पूरा वस्त्र त्याग सकते हैं क्या? और पूरा वस्त्र कोई त्याग दे तो लोग को क्या कहेंगे उसे? पागल है? पागल पागल कहेंगे, पर जैनियों में तो गुरु वही है। प्रधान जी मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे रोक लेना, वो गुरु है कौन? जैनी हमारे बाबू कपिल जी इसको पागल बोल रहे, निर्वस्त्र वस्त्र धारण करना धर्म है, वस्त्र धारण करना धर्म है, और वो कह रहे निर्वस्त्र रहना धर्म है। अब बताओ ये धर्म जानते हैं क्या? ये मानवता पर कुठाराघात इन्हीं लोगों के द्वारा हुआ है, फिर शांति के दूध बने हुए हैं, फिर भी शांति के दूध बने हुए हैं। अरे हमें पाठ ही गलत पढ़ाया गया, हमें पाठ क्या पढ़ाया गया? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति, रघुपति राघव राजा राम यानी रघुकुल के पति कौन है? राजा राम। अरे रघुकुल के पति अगर राजा राम हुए तो राजा राम का जब जन्म नहीं हुआ था, धरती पर नहीं आए थे, तो क्या रघुकुल पतित हो गया था? रघुकुल के पति राजा राम कैसे हो जाएंगे? उनके दादा परदादा लकड़ दादा जितना भी है कि नहीं थे, तो फिर रघुकुल राम से चला है या उससे पहले से? तो रघुकुल का पति तो कैसे बता दिया है? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन, पतितों का पावन है कौन? सीताराम। अरे बोलो यार, सीताराम। अच्छा राम के नाम के साथ सीता का नाम कब जुड़ा? विवाह के बाद। इसका मतलब ये हुआ कि विवाह से पहले राम अधूरे थे, इससे पहले इसका मतलब क्या हुआ कि राम अधूरे थे। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि राम को दुनिया ने जानने का प्रयास ही नहीं किया। राम और कृष्ण दो महापुरुष ऐसे हुए हैं कि जिनके ऊपर कलम के नींव धरने के लिए भी कोई जगह नहीं है। परिपूर्ण तो मानव नहीं होते हैं, लेकिन वो सर्वगुण संपन्न होने के नाते मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम को क्या बोला गया? मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी मर्यादित पुरुष एक राम को
छोड़ करके किसी के नाम के साथ नहीं रह रहा। कृष्ण के साथ योगेश्वर, कृष्ण को छोड़ करके ये नाम। अभी नेताजी ना हुए होते कल मैं इशारा कर रहा था ना, जिस विभाग के आप प्रधानमंत्री, जिस विभाग के मालिक है उस विभाग का फाइल गायब हो रहा है और फिर भी ये कह रहे हैं, कह रहे विपक्ष वाले तो हमें चोर बोल रहे हैं। मैं उस दिन लिखा वाकई में विपक्ष ने इनको चोर बोला, बहुत गलत किया, इनको डाकू बोलना चाहिए था, चोर बोलना वो डाकू बोलना चाहिए था, विपक्ष चोर बोल रहे, विभाग का फाइल गायब। अगर आप लोगों को विश्वास ना हो तो आपके पड़ोसी बेनी बाबू को जाकर पूछ ले क्या दुर्गति हो रही है, वही जाने। बिना बीचे तो चला, ये तो वो महापुरुष थे जो फौरन कांग्रेस को छोड़ करके भाजपा ज्वाइन कर दिया क्योंकि वो जान रहे थे रास्ता बंद है जगदम्बिका पार। तो मैंने निवेदन किया, ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि दुनिया के लोगों हमारे वैदिक संस्कृति में दो ही महापुरुष हुए हैं जिन महापुरुषों की मर्यादा का बखान हम आज से नहीं 9.5 लाख वर्ष से करते आ रहे हैं और बड़ा तक करते रहेंगे, फिर भी उन महापुरुषों के गुणगान गा करके हम समाप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसा मर्यादा और किसी का हुआ ही नहीं। उसी राम पर दोष लगा रहे और मोहनदास करमचंद गांधी, लोग कहते हैं महात्मा गांधी, महात्मा थे या दुरात्मा थे ये भी मेरे से बदल तो दुरात्मा। मैं तो घरी सभा में कह भी नहीं पाऊंगा। मैंने निवेदन किया कि हमें पाठ सरासर गलत पढ़ाया गया और गलत पाठ पढ़ने का यही सारा नतीजा है कि हमने सही क्या है और गलत क्या है इसका निर्णय आज तक नहीं ले सके, नहीं ले पाए कि शांति के दूत कौन है और अशांति किन के द्वारा फैलाई गई ये नहीं बताया जा रहा है, अपितु सही को गलत और गलत को सही कहने की ये परंपरा लोगों ने आज से नहीं बहुत पहले से ही जोड़ रखे हैं। जैसा उदाहरण के रूप में कि अर्जुन ने अपने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, अर्जुन ने अपने बड़े भाई को जुआ खेलने से भी रोका, अर्जुन को हमने केवल वीर कहा और जिन्होंने घर के संपत्ति को जुआ के बाजी में हारा उससे भी तसल्ली नहीं हुई, घर के कुल बंधु को भी जुआ के बाजी में लगा दिया, उन्हें धर्मराज कह रखा है। आज आदि सृष्टि में वेद में आया है जुआ खेलना पाप है, राजा अशुपति चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हमारे देश में कोई जुआड़ी नहीं, शराबी नहीं, व्यभिचारी नहीं, चोर तक नहीं है, तो जिस देश में जुआड़ी शराबी व्यभिचारी चोर तक नहीं है उसी देश में जुआड़ी को धर्मराज कहना सही है। योगेश्वर कृष्ण उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम क्या है, राष्ट्र में दुराचार फैल रहा है, अधर्म फैल रहा है, तुम इसे पीड़ित नहीं होते हो। अर्जुन ने कहा किसे युद्ध करूंगा, कोई भाई है, भतीजा है, चाचा है, ताऊ है, इससे तो अच्छा यही होगा दूर देश में जाकर भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करूंगा। इतना ही सुनते ही योगेश्वर कृष्ण आग बबूला हो गए। योगेश्वर कृष्ण ने कहा अरे तुम क्षत्रिय हो, काहे का क्षत्रिय हो, क्षत्रिय तेज बल को तुम अवलंबन करना नहीं चाहते हो, राष्ट्र में दुराचार फैल रहा, अधर्म फैल रहा, तुम इसे पीड़ित नहीं होते हो और तुम चाहते हो कि दूर देश में जाकर भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करो। योगेश्वर कृष्ण ने कहा युद्धं तु क्षत्रिय धर्म तत्म कथम त्यागसि, युद्ध करना क्षत्रियो का धर्म है इसे त्याग के तुम कहां चले जाते हो। अर्जुन ने कहा ये दान बंधवाना बिना भी जैन राज्य ना चाकिम सुखम भविष्य थी, इन बांधवों को छोड़कर राज को छोड़कर अगर मैं युद्ध करूंगा क्या मैं सुख प्राप्त कर सकता हूँ। योगेश्वर कृष्ण ने कहा तुम ना अवद अच्छसी इमे पाप हो इमे दंडनीय बद एव, कि तुम नहीं जानती ये पापी हैं, दुष्ट हैं, बद करने योग्य हैं। अर्जुन ने कहा इमे मृत्युं तु गमिष्यन्ति महत् पापं भविष्यति, मेरे युद्ध करने से अगर ये मर जाए इससे बढ़ करके कोई पाप नहीं लगेगा। योगेश्वर कृष्ण ने फिर रोका
नहीं तत् पापम आत्म मृत्यु न गच्छति केवलम शरीर तम इदम न अवगच्छसि आत्म अजर अमर अयम कदापि न नश्यति युद्धम तु क्षत्रियसु धर्म अतः युद्धम गुरु ये रहे हमारे देश के गुरु। योगेश्वर कृष्ण क्या करे अर्जुन तुम्हें मालूम नहीं है आत्मा मरती नहीं है केवल शरीर का ही नाश होता है युद्ध करना ही क्षत्रिय का परम धर्म है इसलिए तुम युद्ध करो। लेकिन आपके महात्मा क्या कह रहे हैं गांधी जी के बंदर तीन हाजी बच्चों को पढ़ाया जाता है स्कूल में भी गांधी जी के बच्चे तीन खाते नहीं किसी से छीन है अच्छा और उन तीनों को दिखाया कोई मुंह में हाथ लगाए है कोई आंख में हाथ लगाए कोई कान में हाथ लगाए इसका मतलब गूंगा अंधा और बहरा बन जाओ चाहे कुछ भी करे और मनमोहन सिंह पार्ट वही अदा करते रहे। प्रधानमंत्री बोल करके नहीं दिया क्योंकि पाठ को उनको यही पढ़ाया हुआ था। तो ऐसे पाठ को याद करने से राष्ट्र की रक्षा हो सकती है बंधु नहीं राष्ट्र की रक्षा के लिए क्या करेंगे क्या करना चाहिए राष्ट्र की रक्षा के लिए मर्दांगी चाहिए क्या चाहिए मर्दांगी अर्थात कि हम मारेंगे नहीं अगर कोई मारता है तो छोड़ेंगे नहीं। इसलिए याद रखना किसी के लिए बड़ी है गीता किसी के लिए कुरान मेरे लिए तो सबसे बड़ा है मेरा हिंदुस्तान जिनके लिए है मुल्क से बढ़कर मजहब का आदेश वो गद्दारों से कह दो वो खाली कर दे मेरा देश की रक्षा चाहते हैं तो अंगड़ाई देना होगा आना पड़ेगा आपको आगे कमर बांध कर हिम्मत और इस्तकलाल के साथ। शायद आप लोगों को पता नहीं कि पिछले 84 में जब दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के सामने में कुरान के 24 आयतों पर रिट पिटीशन दायर की गई थी अखिल भारत हिंदू महासभा के ओर से। अखिल भारत हिंदू महासभा के उन दिनों में उपाध्यक्ष थे इंद्र सेन जी शर्मा रेफरेंस सारा मेरा ही सब नहीं प्रमाण सारा मेरा ही दिया हुआ है। प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया 84 में 85 10 जनवरी को सार्वजनिक सभा की ओर से मुझे बंगाल आर्यपति सभा भेजा गया। जनवरी महीने में मैं आकर के मार्च तक मैंने वहां तैयार किया शीतल सिंह को और सीएम चोपड़ा चांदमल चोपड़ा वकील दोनों को तैयार करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट में पद्मा हस्तगिर के इजलास में कुरान के ऊपर रिपिटिशन दायर किया। ज्योति बसु थे मुख्यमंत्री उस पर सुनवाई होने नहीं दिया। आपके पड़ोसी आजम खान जिसके भैंस के रखवाली के लिए भी यह अकालदल सरकार खर्चा कर रहा है ये गया मुसलमानों को भड़काते हुए कहा मुसलमानों पहले तुम मुसलमान हो बाद में भारतीय हो अगर तुम्हारा कुरान नहीं रहेगा तो तुम भी नहीं रहोगे। बोला मुसलमानों मत घबराओ अभी अल्लाह का शान बाकी है अभी कुरान जिंदा इस्लाम बाकी है। ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं अभी तो कर्बला का आखिरी मैदान बाकी। इसका जवाब न तो विश्व हिंदू परिषद वालों ने दिया न बजरंग दल वालों ने दिया न शिवसेना वालों ने दिया न अखिल भारत विद्यार्थी परिषद वालों ने दिया
और ना आरएसएस वालों ने दिया। आर्य समाज का एक छोटा सा सिपाही होने के नाते मैंने जवाब दिया, मैंने लिखा अभी दिल में वतन पे मिटने का अरमान बाकी है, अभी है आर्य जिंदा, हिंदुओं में जान बाकी है, ये मुखालिफ क्या समझते हैं जो अपने दिल में हारते हैं, अभी तो कुरुक्षेत्र और हल्दी घाटी का आखिरी मेहमान था। बंधु जो भूत लात के हैं वो बातों से भगा देंगे। वैसे मैं बैठते ही बताया था भूत हमारे प्रधान जी भी है मैं भी लेकिन ये भी बताया था कि चिपकने वाले भूत नहीं, और ये चिपकने वाले भूत है, और उन भूतों को भगाने के लिए बातों से भगाया जाना संभव नहीं होगा। इसीलिए मैं कहूंगा कि रक्त अब मेरा मुझी को छल रहा है, जहर के लोगों के दिल में घुल रहा है, धर्म के विष का बमन करता फिरे जो सर्प हुए हमारे घर में पलता है, हर शहर में घर घर में हार आंगन में लावा, देश देखो धू धू करके चल रहा है, भयानक खेल के मोहरे बने तुम आज कैसे, शतरंज पे ये कौन चाले चल रहा है, माँ को डाइन कहने वाले तुम भी सुन ले, भारत माँ को डाइन कौन कहता है जरूर आप लोगों को भी मालूम है, माँ को डाइन कहने वाले तू भी सुन ले, शिवा से प्रेम का प्रण अभी चल रहा है, वीरांगना हर एक झांसी की रानी, वीर उधम सिंह और बिस्मिल रहा है, आपकी पंक्ति पर ध्यान दिया, बुखारी हो शहबुद्दीन हो या और कोई कुचल साहब का फन बस यही एक हल रहा है। पिछले दिन जब भारत के प्रधानमंत्री हमारे माननीय अटल बिहारी जी थे, जामा मस्जिद के इमाम, दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम, कहीं अपना वाला जामा मस्जिद मत समझिएगा, दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम अब्दुल्ला बुखारी ने रामलीला मैदान में भरी सभा में कहा कि मैं आईएसआई का एजेंट हूं, भारत सरकार में दम है तो हमें अरेस्ट करें, पार्लियामेंट की तरफ उंगली दिखाते हुए मारो मारो चिल्लाया, रहते तो भारत में है लेकिन भारतीयता नहीं जानते, तभी तो मैं उजरोड़ा का भी जानता हूं जब पाकिस्तान हार गया था, पूरा लाइन काट दिया था उस बार, रहते भारत में है लेकिन भारतीयता नहीं है उनके दिल में, और इसके बावजूद भी ओवैसी कह रहा है कि हम तो हमारे बाप हिंदुस्तान में जन्म लिए या हिंदुस्तान में आए थे, अल्लाह ने जन्नत से निकाल कर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भारत में फेंका था, हिंदुस्तान में फेंका था, सारंगदीप जगह का नाम है, जो तवारीख उनकी है उस किताब के माध्यम से, या कसूसुल अंबिया नाम की किताब को देखेंगे, नबियों का किस्सा जिस किताब में लिखी गई है उस किताब को देखेंगे तो वहां पर भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल कर अल्लाह ने सारंगदीप में भेजा। देखा, इसलिए ओवैसी कह रहा है असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों भाई मिलकर के कह रहा है कि हम भारत के हैं, हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तानी हैं। भाई तुम अगर हिंदुस्तानी हो, हिंदुस्तान तुम्हारा है, तो तुम्हारी जुबान अरबी क्यों है? क्या हिंदुस्तानी अरबी बोलते हैं? हिंदुस्तान का भाषा कौन सा है? हिंदी है। तो तुम्हारी जुबान अरबी क्यों है और तुम ये कहते हो कि हम भारत में ही, हिंदुस्तान हमारा है और हर कोई बच्चा मुसलमान जन्म लेता है, अगर हर कोई बच्चा मुसलमान जन्म लेता है तो बच्चे के जन्म लेने के बाद तुम उसके दाहिने कान में अजान क्यों सुनाते हो, बायां कान में तकबीर क्यों सुनाते हो? क्या वो अजान भारत का है या अरब का है? क्या हिंदुस्तानी भाषा में कोई अजान पुकार सकता है? नहीं, अरबी में ही पुकारना पड़ेगा।
नमाज तुम्हें अरबी में ही पढ़नी होगी तो फिर तुम हिंदुस्तानी कैसे हो? तुम झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो? झूठ बोल। केवल इतना ही नहीं, पिछले दिन अकबरुद्दीन ने कहा कि 15 मिनट के लिए भारत सरकार पुलिस हटा ले तो फिर हम दिखा देंगे। अच्छा बंधु, आप लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि पुलिस से कौन डरता है? चोर है। चोर। तो ये पुलिस से डर रहे हैं, ये चोर है या साधु? चोर। पुलिस से डरने का क्या काम है? इसका मतलब गलत काम कर रहे हैं, और गलत काम करने के बावजूद भी वितंडक भारत के खिलाफ, भारतीयता के खिलाफ, वैदिक संस्कृति के खिलाफ सारा काम करके भी ये कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। ये तो जीते जी आप देख रहे हैं, मरने के बाद भी इनकी जुबान अरबी हो जाएगी। कब्र में अल्लाह वहां पर अरबी में ही सवाल जवाब करवाएंगे फरिश्तों से। मर रब्बू का, मन नबियों का, मन दीनों का। क्या हिंदुस्तान की जुबान अरबी है? नहीं। तो मरने के बाद जब तुम्हारी जुबान अरबी है, इसके बावजूद भी तुम हिंदुस्तानी अपने को कह रहे हो, तो सच बोल रहे हो दुनिया के सामने या झूठ बोल रहे हो? झूठ। लेकिन कोई हिंदू ने नहीं पूछा, बहन पाल ने पूछ लिया। यूट्यूब में लगा है, देख सुन लेना। YouTube.com यूजर महेंद्रपाल आर्य लिखे तो आप आ जाएंगे सारा। केवल इतना ही नहीं बंधु, मैं निवेदन कर रहा हूं, अभी पिछले लोकसभा में लोकसभा से उठ करके जा रहे थे कि नहीं, बसपा का एक MP किस समय जा रहा था वंदे मातरम गाते समय, मीरा कुमार को रोक रही थी लोकसभा के अध्यक्ष, लेकिन रोकने के बाद भी नहीं रुके। और किस पार्टी से चुन करके आए? बसपा। बसपा से। अगर तुम्हें यही करना था तो तुम मुस्लिम लीग से, मुस्लिम लीग से चुन करके आते तब तो बात थी। बसपा से क्या काम तुम्हारा? जो मोमबत्ती हाथी को लेकर के राजनीति कर रही, उस हाथी को ढकने के लिए पिछले दिन नवाब चुनाव में कितना खर्च करना पड़ा चुनाव आयोग। देखने में सुनने में अब तक यही आया कि लोग मरने के बाद स्टैचू लगवाते हैं, ये जीते जी स्टैचू लगवाए। क्या वो अपने घर के पैसे से लगाए, सरकारी खर्चे से लगाए? सरकारी खर्चे। अच्छा काशीराम का क्या योगदान है इन भारत के लिए? ये सारा काम मोमबत्ती का है। बंधुओं मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप राष्ट्र की रक्षा कहां करेंगे? पूरा राष्ट्र को तो आप लोगों के राष्ट्र को ही खोखला बना करके रख दिया है इन चाटुकारों ने, कि जिन्होंने न राष्ट्र को जाना, राष्ट्रीयता को जाना, न राष्ट्रीयता को समझने का प्रयास किया। और खून तो खोलेंगे उनके ही जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए बलिदान दिया, खून उनके खोलेंगे। क्या हमने, हमारे पूर्वजों ने प्राणों की बाजी लगाई। पिछले दिन ये नैयर, ये भी दल बदलू, पहले कम्युनिस्ट था फिर कांग्रेस में घुस गया, वीर सावरकर का चित्र लोकसभा के अंदर में लगने नहीं दिया कक्ष में। यह अय्यर जो कांग्रेस का था अभी अब मनी शंकर मनी हो तब तो मैं बोलता। मैं निवेदन कर रहा हूं कि क्या वीर सावरकर इसीलिए ही अंग्रेजों के पास कोलू के बैल बन करके तेल निकाले थे कि हमारे फोटो तक लगने ना दे? क्या वीर सावरकर यही जानते थे कि जिस आटा की रोटी बनाकर तुझे खिलाया जा रहा है, जिस आटा में कंकड़ और पत्थर भरे हुए हैं, इसी को खा करके तू कोलू का बैल बनेगा और फिर भी तेरे चित्र को, तेरे फोटो को वहां कांग्रेसी लगने नहीं देंगे? पता नहीं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमारी इस राष्ट्र को दूसरे लोगों का नुकसान पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है, अपने
चलाने के लोगों ने ही आपको ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा, आप अपने बेनी को देखिए, यही तो वो बेनी है या बनी है ये मैं नहीं जानता, लेकिन हाथ जूता में मोदी का फोटो दिखा रहे हवाई चक्कर। अब ये भी कह रहे थे कि उसको जेल डालेंगे, अब वो कहां है? मैं पत्रकारों को बोला, यार तुम लोग यहां वहां कहां, अकेले में ख्वाब देखता है कि यहां धन गड़ा हुआ है, वो बात दिल्ली कैसे पहुंच जाती है भाई, और पूरा दिल्ली ने तंत्र लगा दिया वहां पर, खोद डाला पहाड़, लेकिन चुहिया तक वो सब खबर तुम निकाल करके ले आते हो, और बेनी कहां है ये तो पूछो जाकर। नारू ने कहा कि मोदी अगर प्रधानमंत्री बनते मैं अपना नाम बदल दूंगा, तो मैंने पूछा कि ये इनके पत्नी तो रबड़ी है, ये नारू है, अपना नाम जलेबी रख ले। ऐसा ही कहा था उमर अब्दुल्ला, बाप बेटा दोनों, ऐसा ही कहा था उमर अब्दुल्ला बाप बेटा दोनों कि हम समुंदर में डुबोएंगे, और समुंदर में वो औरों को क्या डुबोगे, मोदी को क्या डुबोगे, मोदी ही जाकर वहां खड़ेगा बोले। उन डूबते हुओं को बचाया मोदी ने, ये मोदी को डुबाने वाले थे। शाहरुख खान ने भी बोला था मैं छोड़ दूंगा, मैंने कहा जा भारत का अन्न बचाएगा, शाहरुख खान ने भी बोला था कि मैं छोड़ दूंगा, भारत छोड़ दूंगा। तो जब राष्ट्रद्रोही चारों तरफ आप लोगों ने शरण दिया हुआ है उन राष्ट्रद्रोहियों को, और फिर आप चाहते हैं कि राष्ट्र की रक्षा हो, जब राष्ट्रद्रोहियों को आप शरण भी दे रहे हैं और राष्ट्र की रक्षा चाह रहे हैं, ये कैसा संभव होगा? अभी पिछले दिन जो कसाब को फांसी लगाई गई ना, इस कसाब के फांसी का विरोधी था ये खिचड़ी वाला जो आप मुख्यमंत्री बनाया दिल्ली का, वो जब दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दिया तो अपने प्रतिनिधि को किसी को भी तो बना सकता था ना, जैसे लालू ने रबड़ी को बनाया, एक अमोटक एक महिला जब बन सकती है तो वो किसी और को बना देता, लेकिन किसी पर उसका विश्वास नहीं। अब दिल्ली वासी इसको नहीं समझ पाए, धोखा खाएंगे दिल्ली वाले भी। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि आपने तो चारों तरफ इर्द गिर्द अपने आस पास ही राष्ट्रद्रोहियों को ही शरण दिया हुआ है, और फिर आप चाहते हैं कि राष्ट्र की रक्षा हो जाए, कैसे संभव होगा? संभव होगा तब जब राष्ट्रद्रोही को आप पहचान जाएंगे, जब राष्ट्रद्रोहियों को आप चिन्हित कर लेंगे, जब राष्ट्रद्रोहियों से आप सावधान हो जाएंगे, तभी इस राष्ट्र को सही ढंग से इसकी अस्मिता की रक्षा कर पाएंगे, उससे पहले होना संभव नहीं। तो राष्ट्रद्रोही कौन है पहले जानना पड़ेगा कि राष्ट्रद्रोही उन्हें कहा जाता है जो रहते हैं इसी राष्ट्र में लेकिन राष्ट्रीयता जिनके दिल में नहीं रहती, नहीं है, जो राष्ट्रीयता को नहीं जानते हैं, रहते भारत में लेकिन ईरान और पाकिस्तान के गीत गाते हैं, कुछ लोग और भी हैं रहते भारत में रशिया और चाइना के गीत गाते हैं। क्यों और कैसा, मैं उदाहरण देकर के वाणी को विराम क्यों ले जाना चाहूंगा, जिससे आप लोगों को सच्चाई का पता लगे कि सही में आज भारत की दशा क्यों इसलिए ऐसा है, इस प्रकार है कि हमने उन्हें चिन्हित करना उचित नहीं समझा, और ना इन कांग्रेसियों ने चिन्हित करने दिया। ये जो अभी पिछले दिन आप लोगों ने देखा होगा नक्सलियों का जो उपद्रव चला ना, ज्यादातर तो झारखंड में चला, उन्होंने एक ट्रेन को ही अगवा कर लिया, उन नक्सलियों को बढ़ावा देने में इन्हीं कांग्रेसियों का ही हाथ रहा कि कांग्रेसी लोग अगर ये CPIM वालों को कम्युनिस्टों को अपने राज के सत्ता की भागीदारी ना बनाते होते तो MN वालों को मौका नहीं मिलता। ये रहते हैं इसी राष्ट्र में लेकिन राष्ट्रीयता उनके दिल में नहीं है,
कुछ लोग ईरान और पाकिस्तान के तरफ टकटकी लगाकर बैठे हैं और कुछ लोग रशिया और चाइना के तरफ टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं। यही कारण बनता है जब भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है पाकिस्तान के हारने से लोग लाइन का तार काट देते हैं और कभी मनाते हैं और भारत के पाकिस्तान के जीतने से मिठाइयां बांटते हैं। उस समय भी देखा होगा आप लोगों ने, इसीलिए मैंने यही सुनाया आप लोगों को कि हम भारतीय हैं, भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा, दुश्मनों की तलवारों ने भारत को बर्बाद किया है, भारत के ही गद्दारों के। भारतवर्ष के अंदर में अगर गद्दार किस्म के लोग न हुए होते आज भारत का नक्शा कुछ और होता। इन्हीं गद्दारों के चलते ही भारत की ये दुर्दशा हुई है। ये पाले हैं इनको, भारत ने पाला है, पाल रहे हैं, पहले से पालते आए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारत को अपना नहीं माना। अगर भारत को ही अपना मानते होते तो वंदे मातरम का विरोध नहीं हुआ होगा। वंदे मातरम में क्या है? भारत को मां क्यों कहा गया? कि मनुष्य की उत्पत्ति भारत से हुई है। तो जब मनुष्य भारत से मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो उत्पत्ति करने वाली को माँ कहा जाता है, यानी कल तो आप लोगों ने अच्छी तरीके से सुना। तो माँ को नमन करना, माँ की ताजीम करना, माँ को सम्मान देना गुनाह है क्या? वहां देवल के वाइस चांसलर ने थोड़ा सा कहा था, उसको हटा दिया, केवल मोदी के पक्ष में एक शब्द बोला था बेचारा, हटा दिया, उसको निकाल दिया वहां। तो जो भारत में रहकर भारतीय संविधान को नहीं माने, भारतीयता को ठुकरावे, भारत के अस्मिता को गांव पे लगावे, वो भारत में रहने के हकदार है क्या? अब यही इन्हीं लोगों से पूछिए कि जब ये शपथ लेने के लिए जाते हैं वहां देखिए क्या कह रहे हैं कि मैं ईश्वर के नाम से शपथ लेता हूं भारत के अस्मिता को अक्षुण रखूंगा। शपथ में ये लेते हैं कि नहीं? शपथ में इन्हीं शब्द को दोहराते हैं कि नहीं? नहीं सुनोगे? अगर यही दोहराया तो भारत के अस्मिता पर आंच आने नहीं दूंगा, इसको अक्षुण रखूंगा, फिर वंदे मातरम का विरोध करना क्या हो रहा है? अब कहने वाला ही नहीं कोई, उसे कोई पूछने वाला ही नहीं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि ठीक इसी प्रकार से कम्युनिस्ट लोग भी रहते हैं भारत में, किंतु भारतीयता उन लोगों के दिल में भी नहीं है। वो रशिया और चाइना की तरफ टकटकी लगाकर बैठे हुए होते हैं। यही कारण बना कि वो लोग कहते हैं चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन। पिछले दिन आप लोगों ने देखा होगा जब सद्दाम और बुश का मामला चल रहा था, किसका किसका? सद्दाम और बुश। बुश, ये बुश नहीं, इसके पिता वाला बुश, ये तो डब्ल्यू बुश है, वो डब्ल्यूएस बुश है। उस समय प्रधानमंत्री भारत के चंद्रशेखर जी, कौन? क्वालिशन सरकार, उनका अकेले का सरकार नहीं था, क्वालिशन सरकार, गठबंधन, जोड़ जोड़ की सरकार, कम्युनिस्ट समर्थित सरकार, कम्युनिस्ट ने समर्थन दिया। और बुश को तेल दे रही है कौन? भारत सरकार। और सद्दाम को खून दे रहे हैं कौन? भारतीय कम्युनिस्ट। कलकत्ता शहर में जगह जगह शिविर लगा रखा है, रक्तदान शिविर। मेरे एक मित्र ने मेरे से पूछा कि पंडित जी ये जो रक्त भेज रहे हैं सद्दाम के लिए, रक्त के ग्रुप नंबर के साथ मेल हो जाएगा? मैंने कहा मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? बोला आप मेरे साथ है, मैं किससे पूछता? मैंने कहा जब आपने पूछ लिया तो सुनिए फिर इसका जवाब क्या है। मैंने कहा इस भारत का नाम आर्यवर्त है, पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। जितना भी कट्टर से कट्टर पौराणिक क्यों ना हो, जब अपने घर में कोई संस्कार करते कराते हैं तो संकल्प पे उन्हें ही दोहराना पड़ता है।
ओम तत्सत्ता ब्रह्मनो द्वितीय परमार्थे वैवस्वत मन्मंत्रे जम्मू दीपे भारत खंडे आर्य वर्तंतर गते। वहां पर हिंदू वर्तंतर गते नहीं है। जो लोग ये कहते हैं गर्व से कम हिंदू है, हिंदू वर्तंत्र गति नहीं है, आर्य वर्तंत्र गति। इसको और क्लियर करता हूं मैं। अगर ये लोग कहते हैं कि गर्व से कम हिंदू हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कहीं बोला गया हिंदू पुत्र है? उस समय दयानंद का जन्म हुआ था क्या? नहीं। दयानंद के पिता नहीं। दादा नहीं। परदादा नहीं। उनके और आगे पूर्वज नहीं। तो उस समय राम को आर्य क्यों कहा गया? कैसे कहा गया? राम को आर्य कैसे कहा गया? अजय खोलिए राम पर। उसके बाद एक सीरियल दिखाया गया महाभारत। गांधारी अपने पति को क्या कह के संबोधित करती है? आर्य पुत्र। उस समय भी तो दयानंद का जन्म नहीं था ना, दयानंद के पिता आए थे। अच्छा इसको भी छोड़िए। उसके बाद भी एक सीरियल और दिखाया गया चाणक्य वाला। चाणक्य में भी आर्यवीर आर्य योद्धा पुकारा गया या नहीं? तो आर्य शब्द कहाँ का? आर्य शब्द तो आदि सृष्टि से वेद का है। ऋषि ने ढूंढ करके दिया, वेद में आया, हम भूमि आददाम आर्य, ये भूमि मैंने आर्यों को दिया। बोले आर्य कौन है? आर्य नाम ईश्वर पुत्र। बोले आर्य वही है जो ईश्वर के पुत्र है। तो क्या ये गर्व से कम हिंदू है, ये ईश्वर के पुत्र नहीं है? अगर ईश्वर के पुत्र होंगे तो आर्य होंगे, अगर हिंदू होंगे तो ईश्वर के पुत्र जब है ही नहीं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि उन दिनों में जब ये रक्त भेज रहे थे तो हमारे मित्र ने पूछा, मैंने कहा जवाब बड़ा सख्त होगा। बोले कैसा? मैंने कहा कि ये रक्तदान शिविर जो लगाए हुए हैं और रक्त भेज रहे हैं सद्दाम को, पिछले दिन एक फिल्म चली थी जिस फिल्म का नाम जंजीर था। जिस जंजीर में, जंजीर फिल्म में काम करने वाले थे अमिताभ बच्चन और जया भादुरी, प्राण भी था। अमिताभ बच्चन उसमें पुलिस इंस्पेक्टर का रोल करता है और प्राण का नाम उसमें शेर खान रखा जाता है, गुंडागर्दी करता दिखाता है। तो जो और लोग थे पुलिस इंस्पेक्टर को मारने की फिराक में थे, एक दिन गोली चला दी अमिताभ बच्चन जैसे पुलिस इंस्पेक्टर के पांव में लगी गोली, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। खान को पता लगा तो ये देखने के लिए गए। डॉक्टर ने कहा इनके शरीर में खून नहीं, आप कहीं से खून ला करके दो, इनको डालना होगा। खान ने हाथ बढ़ा दिया, कहा डॉक्टर मेरे खून के साथ इसका खून मिला, अगर ग्रुप नंबर का मेल हो जाता तो जितना चाहिए लेकर के चढ़ा दे। डॉक्टर ने सिरिंज भरा, ग्रुप नंबर को मिलाया, इत्तेफाक से ग्रुप नंबर का मेल हो गया। जब ग्रुप नंबर का मेल हो गया तो खान ने खून दिया, थोड़ा सा आराम किया, फिर जब वहां से चलने लगे तो डॉक्टर साहब ने आवाज दे करके कहा कि खान साहब आप ये तो बताओ कि आप एक मुसलमान हो, आपका दोस्त ये हिंदू है, तो आपके खून के ग्रुप नंबर के साथ इसका ग्रुप नंबर का मेल कैसा है? उस जंजीर फिल्म में क्या कहा था बंदो, मैंने उसको अखबार में पढ़ा था, उस किस्सा के साथ मेरा किस्सा मेल खाया, मैं अपने मित्र को ये सुनाया। खान साहब ने कहा डॉक्टर ये शेर का खून शेर से नहीं मिलेगा तो क्या गिदड़ से मिलेगा? मैं अपने मित्र से कहा ये सद्दाम हुसैन गद्दार है, कम्युनिस्ट पार्टी भी गद्दार है, तो गद्दार का खून गद्दार से नहीं मिलेगा। केवल इतना ही नहीं बोलिए, मैं बताया कि इस देश का नाम आर्यवर्त था, है और रहेगा, बढ़ेगा। इसी आर्यवर्त में गिने चुने कुछ लोग आए इस्लाम का प्रचार करने के लिए, लेकिन यहाँ इतने लोग सशक्त थे, दृढ़ संकल्पी थे, प्रचार नहीं हो पाए। जब ये प्रचार नहीं कर पाए तो भारत को छोड़कर ये लोग ताशकंद चले गए, किंतु ताशकंद में भारतीय लोग पहले से ही रह रहे थे। जब आपस में मिले तो भारतीय ने उनसे पूछा क्या आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि साहब हम तो भारत से आ रहे हैं। बोले आपका परिधान, आपका ड्रेस, आपका लिबास तो भारतीय नहीं है? तो उसने बोला मैं भारतीय नहीं हूँ, मैं अरबियन हूँ, इसलिए मेरा ड्रेस अरबियन है। अरबियन ड्रेस देखा होगा आप लोगों ने, पूरा सादा घुटने के नीचे तक टकने तक सादा कपड़ा होता है, पगड़ी। तो उसने बोला मैं अरबियन हूँ इसलिए अरब का ड्रेस है, तो अरबियन है तो भारत में क्यों गए थे? तो उसने बोला कि मैं
भारत में इसलिए गया था इस्लाम का प्रचार करने के लिए। तो बोले फिर वापस आए, बोले इस्लाम का प्रचार भारत में नहीं हो पाया। उस भारतीय ने बोला जब इस्लाम का प्रचार भारत में नहीं होगा तो दुनिया में कहीं नहीं हो पाएगा। उसने बोला यार मैं गया ही तो था इसी काम के लिए, मैं कर तो नहीं पाया। उसने बोला मैं आपको सहयोग दूंगा, शायद आप लोग उनका नाम जानना चाहते हैं, मैं दोनों का ही नाम बता देता हूं। जो इस्लाम वाले यहाँ प्रचार करने के लिए आए थे उनका नाम था मिस्टर मुजफ्फर अहमद, फाउंडेड बॉडी ऑफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। जो भारतीय वहां गए हुए थे मिस्टर एम एन रॉय, रणदीप हे, फाउंडेड बॉडी ऑफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर थे सर। तो एम एन रॉय ने कहा कि भारत में अगर इस्लाम का प्रचार नहीं हुआ विश्व में कहीं नहीं कर पाओगे तो हम चलो हम तुम्हें सहयोग देंगे। तो मिस्टर मुजफ्फर अहमद ने कहा कि भाई मैं गया था इसी काम के लिए, आप हमें सहयोग कैसे देंगे, आप हमारे सहयोगी कैसे बने। उसने बोला हमारे सिवा तुम्हारा कोई सहयोगी बन ही नहीं सकता है, और भारत में तुम्हारा इस्लाम नहीं फैला तो कहीं नहीं फैलेगा। बोले क्यों, कि भारत एक ऐसा मुल्क है जिस मुल्क के लोग सांप को भी दूध पिलाते हैं। पिलाते आप लोग है, कुछ तो मुंह कर रहा है कुछ यूं कर रहा है। नागपंचमी में नहीं पिलाया जाता है। किसको, सांप को। अब बताइए जिस कौम के लोगों को दोस्त और दुश्मन का ही पता है कौन बचाएगा। जिस सांप को दूध पिलाया जा रहा है उसको जब मौका मिलेगा डसेगा, और डसने पर उसमें जो जहर है वो हमारे में प्रवेश करेगा। ये अकल आज तक हिंदुओं को नहीं है, और यही हिंदुओं के यही अकल न होने के कारण उन सारे बांग्लादेशियों को भारत में ही अनुप्रवेश कराकर पाला जा रहा है। महेंद्र पाल का राशन कार्ड ट्रांसफर कलकत्ता से दिल्ली में करा के लाया हूँ, लेकिन राशन कार्ड मेरा नहीं बना, आए दिन बांग्लादेशियों को बनता है। पर भाजपा की उसका अच्छा नहीं है बना दिया, भाजपा वाले भी बना के दे रहे, लेकिन मेरा नहीं बनाया। मैंने निवेदन किया कि उन्हें शर्म दे रहे, और खास तौर से इस समय ममता बनर्जी क्या कह रही है, एक ब्राह्मण पुत्री होकर के वो तो आप लोगों के सामने ही है, बुर्का पहन करके वोट मांगने के लिए जा रही है, अब वो कह रही है कि एक गौ मांस खाना हमारा मौलिक अधिकार है, जब मैं खुद खाती हूं तो औरों को मैं मना कैसे करूं, ये ब्राह्मण करना होकर के बता रही। अब हिंदुओं की दशा क्या है हिंदुओं को सोचे। तो मैंने निवेदन किया कि मिस्टर एम एन रॉय ने कहा कि साहब मैं आपको सहयोग करूंगा। तो मिस्टर मुजफ्फर अहमद ने कहा कि साहब आपके साथ हमारा क्या मेरा, आप हमारा सहयोग करेंगे। मिस्टर रॉय ने कहा हमारे सिवा आपको सहयोग करने वाला कोई है नहीं, आपके साथ हमारा सब जगह मेल है। बोले वो कैसे, तो बोले मौलाना पहले आप ये बताइए कि आपके प्रवर्तक का नाम क्या है। तो मिस्टर मुजफ्फर अहमद ने कहा हमारे प्रवर्तक का नाम मोहम्मद है। बोले देखो मोहम्मद का पहला लेटर म है, मोहम्मद का पहला अक्षर क्या है, म है। बोले हमारा जो प्रवर्तक है उसका भी पहला लेटर म है, म से मोहम्मद, म से मार्क्स। बोले केवल इतना ही है। मौलाना आप ये बतलाइए कि आपका धर्मग्रंथ का नाम क्या है। मौलाना ने कहा हमारा धर्मग्रंथ का नाम कुरान है। मिस्टर एम रॉय ने बताया कि कुरान का पहला लेटर क है, और हमारा जो धर्मग्रंथ है उसका भी पहला लेटर क है, क से कुरान, क से कम्युनिज्म मैनिफेस्टो। बोले केवल इतना ही नहीं, हम और भी मेल रखते हैं, क्या मेल है। मौलाना आप ये बताइए कि आपका तीर्थ स्थान का नाम क्या है। मौलाना ने कहा हमारा तीर्थ स्थान का नाम मक्का है। उसने बोला उसमें भी माँ लगा है, माँ से मक्का और माँ से मॉस्को, और हम तो दोनों जगह मेल रखते हैं। और उन दिनों में इनके घर में जितने भी नए मेहमान आए इत्तेफाक से सबका नाम सद्दाम ही रखा गया। भारतवर्ष के अंदर में मैं जहां जहां उन दिनों में कार्यक्रम में गया, लोग बुश का पुतला जला रहे हैं और सद्दाम हुसैन जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं,
और जहां जहां मैं गया मैं वहां पर जाकर के नारा यही लगाया, भाई हम भारत के रहने वाले हैं, सद्दाम से और बुश से हमारा क्या ताल्लुक, हम भारतवासी हैं, हमारा नारा तो ये होना चाहिए कि सद्दाम मरे या बुश, हम तो दोनों में है भारत के रहने वाले, सद्दाम से और बुश से हमारा क्या वास्ता है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि रहते इसी देश में है किंतु राष्ट्रीयता के भाव उनके हृदय में नहीं है। अब रही बात जहां तक परावर्तन की बात आ रही है, बंधु गौर से सुनना मेरी बातों को, ध्यान से सुनना और औरों को भी सुना देना जरूरत पड़े तो, कि जब एक मुसलमान रहता है वो राष्ट्रद्रोही रहता है, उसी मुसलमान को जब आप हिंदू बना लेते हो तो राष्ट्रभक्त बन जाता है, इससे बड़ा प्रमाण और क्या करें। जब एक मुसलमान रहता है वो राष्ट्र विरोधी रहता है, जब उसे हिंदू बना दिया जाता है वो राष्ट्र भक्त बन जाता है। स्वामी श्रद्धानंद ने बड़े सूझबूझ के साथ इस कार्य को चलाए थे। ये काम भारत में यद्यपि चलाया हुआ तो देवल ऋषि का था, देवल ऋषि के बाद में इस काम को चलाया चैतन्य महाप्रभु ने था, चैतन्य महाप्रभु के बाद इस काम को राजा राम मोहन राय ने चलाया था, राजा राम मोहन राय के बाद ऋषि दयानंद ने चलाया और ऋषि दयानंद के बाद स्वामी श्रद्धानंद ने चलाया। इसलिए मैं कहा करता हूं कि आज बिगड़ी है नगर, उस बिगड़ी नगर को बदलो, गांव को बदलो और नगर को बदलो, टोपी को बदलने से न बदलती है निजाम, घर बदलना है इंसान के सर को बदलो, कि आज समय आया है इंसान के सर को बदलने का, और सर को बदला जा सकता केवल विचारों के माध्यम से, दूसरा कोई रास्ता नहीं। और वो मैं नहीं, वेद मुकद्दस में भी परमात्मा का उपदेश है, नाना पंथा विदते आय नाय, कि अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता केवल एक है। अब रही बात कि आप ये पूछ सकते हैं मेरे से, ये कह सकते हैं कि साहब आप हिंदू क्यों बनाते हैं, भाइयों मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि हिंदू हम बनाते नहीं है, हमारे हिंदू घराने से ही बौद्धिक बनाया गया था, मुसलमान बनाया गया है, ईसाई बनाया गया है, जैनी बनाया गया है, तभी तो मैंने निवेदन किया कि बौद्धिक बौद्ध ने जो बौद्धिक बनाया वो बनाने से पहले ही वो क्या थे। जब आप वहां से निकाल करके आप बनाएंगे तो वो घर वाले आपसे शांति से छोड़ेंगे या आपसे लड़ेंगे। जैनियों ने भी यही किया, ईसा मसीह ने भी यही किया। हजरत ईसा मसीह से पहले कौन ईसाई था धरती पर, जरा बतलाना। सिद्धार्थ से पहले धरती पर कौन बौद्धिक था, बतलाना। महावीर से पहले जैनी कौन था धरती पर, बतलाना। हजरत मोहम्मद साहब से पहले मुसलमान कौन था धरती पर, बतलाना। मैंने कह रहा, कुरान कह रहा है पारा नंबर 7 सूरह अनआम आयत नंबर 14 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, قل اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين। اے محمد تم کہہ دو میں مشرکوں میں شامل نہیں ہوں, سب سے پہلا میں مسلمان ہوں, میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں, میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ تو جب سب سے پہلا مسلمان محمد صاحب سے اللہ خود کہلوا رہے ہیں تو اس سے پہلے مسلمان ہونے کا سوال ہی کہاں ہے۔ अगर कोई कहे कि हम उससे पहले भी मुसलमान थे, यही कहीं बताया है, पर मैं पूछना ये चाहूंगा कि अगर मोहम्मद ने कहा सबसे पहला मैं मुसलमान हूँ तो मोहम्मद से पहले मोहम्मद के पिता क्या थे, कोई बता दे। मुस्लिम थे और गैर मुस्लिम थे, गैर मुस्लिम भी कोई नहीं कह पाएगा, कोई मुसलमान अगर गैर मुस्लिम कह दे उनको तो वो भी ईमान से हाथ धोएगा। इसीलिए मैंने निवेदन किया कि सत्य से कोसों दूर है, कुरान कह रहा है, कुरान साक्षी है, कुरान गवाह है। भगवान की जय। क्या हमारे स्वामी जी का आशीर्वाद हमें मिलता ही रहता है। मैंने निवेदन किया कि अल्लाह ने जिक्र फरमाया, कुल इन्नी उमिरतु अन अकूना अव्वला मन अस्लमा वला तकूनन्न मिनल मुशरिकीन। तुम कह दो सबसे पहला मैं मुसलमान हूं, मैं मुशरिकों में शामिल नहीं हूं। यहां तो मस्जिद वाले सुनने नहीं आते
और मस्जिद है भी तो दूर, ये तो बहराइच शहर के रहने वाले हैं, उसी बहराइच शहर में भी पिछले मैदान में था, वहां बहराइच शहर में मस्जिदों के जड़ में मैं बोलता हूँ घंटा घर पर। हाँ मस्जिद भी गए थे, कबीर भी तुम भी तो गए थे, है नहीं चले जा पाए थे। तो मैं निवेदन करने लगा हूँ जहां जहां मस्जिद है मस्जिद के जड़ में ही बोलता हूँ मैं। मजाल है कि हाँ कोई कह दे कि हाँ ये गलत बोल रहे हैं, कुरान नहीं बोल रहे हैं। जितने लोग मुझे गांधी मैदान में नहीं सुनते तो सजा रहा हूँ, तो वो जामा मस्जिद बिल्कुल सामने मस्जिद में बैठ करके सुनते हैं। एक घंटे का स्पीच जो भी गौसिया स्कूल के पास ही हुआ था, एक घंटे का स्पीच। हाँ तो ये आज का एक दिन का नहीं है, यहाँ तो बहुत दिनों से होता आ रहा है। मैं बैठा मस्जिद के सामने को मैं चुप गया जाते समय, हमारा यही से शुरू होता है। कहने का मकसद उद्देश्य वही है कि जादू वही है जो सर के ऊपर चढ़कर बोल रहे हैं, ये पता नहीं। वो वेद का जादू है, वेद को कोई जीत नहीं पाया, ये सब अनर्गल प्रणाम कर रहे हैं। इसलिए मैंने निवेदन किया कि जो मुसलमान बनाए, ये बता रहे हैं कि जो मुसलमान को हिंदू बनाया जा रहा है, अरे मुसलमान को हिंदू बनाया जा रहा है, वो मुसलमान बने कैसे पहले अपना बतावे। कोई मुसलमान माँ के पेट से जन्म लिया था क्या? अगर माँ के पेट से जन्म लिया होता तो उसके दाहिने कान में अजान और बाएं कान में तकबीर क्यों सुनाई जाती है? उनका खतना क्यों कराया जाता है? उनका इस्लामी नाम क्यों रखा जाता है? अगर पैदा ही हुआ तो मुसलमान, कोई मुसलमान पैदा नहीं हुआ और ना कोई मुसलमान पैदा होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस्लाम जगत के विद्वान मौलाना मंजूर नोमानी साहब, अगर तबलीगी जमात के प्रचार है यहाँ पर तो निसाब की किताब में भी देख लेना, मौलाना मंजूर नोमानी साहब की किताब वहां पर भी पढ़ाई जाती है। इस्लाम क्या है, किताब का नाम ही है इस्लाम क्या है। उन्होंने साफ लिखा किसी मकान और बिल्डिंग का नाम, किसी पेड़ और दरख्त का नाम मुसलमान नहीं है, और न कोई मां के उधर से मुसलमान जन्म लेता है, मुसलमान बनाए जाते हैं, मुसलमान बनाने पर बनते हैं, ईसाई बनाने पर बनते हैं, जैनी बनाने पर बनते हैं, बौद्धी बनाने पर बनते हैं, पर कोई माई का लाल ये तो बता दे कि हिंदू किसने बनाया? किसी है पर हिंदू हमारा बना नहीं, हमारा तो वैदिक ही बना है। अहम भूमि आदनाम आर्य, ये वेद का ही है, परमात्मा का उपदेश है, और आर्य पुत्र कहा है हमें, हम परमात्मा के अमृत पुत्र हैं, इसीलिए ऋषियों के भी अमृत पुत्र कहा जाता है, और परमात्मा के तो अमृत पुत्र है ही। जब परमात्मा के अमृत पुत्र है तो पिता के गुणों को पुत्रों को धारण करना चाहिए या भतीजों को धारण करना चाहिए? पुत्रों को है? तो भतीजे पर की उम्मीद लगाए बैठे आप सर, खुद बनिए ना, खुद उस पिता के पुत्र बन जाइए, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा। क्यों? अरे जो पिता जिनका परमात्मा हो और परमात्मा के संतान का कोई बाल बांका कर सके संभव है? नहीं है। अभी ये साईं और स्वरूपानंद जिस दिन झगड़ा जिस दिन शुरू हुआ साधना चैनल वालों ने बुलाया और मेरा डिबेट था साईं भक्त के साथ, तो साईं भक्त ने कहा कि साहब आप लोग तो हमारा विरोध करते हैं, हमने हम विरोध क्यों करेंगे, पर हमारे आस्था पर कुठाराघात करते हैं, और वो तो हमारी आस्था की बात है, हम साईं को भगवान मानते हैं। मैंने कहा आप हिंदू है? बोले हाँ। मैंने कहा गायत्री मंत्र जानते हैं? बोले जी। मैंने कहा गायत्री मंत्र बोलिए जरा, तुमने सुनाया ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियः यो नः प्रचोदयात्। तो मैंने यहाँ तत्सवितुर्वरेण्यं बोला आपने? बोले जी। मैंने कहा किसको बोला, किसको वरण किया? बोले परमात्मा को। मैंने कहा परमात्मा को वरण किया तो साईं के पास क्या लेने गए? जैसा उदाहरण के रूप में अपने नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ डायरेक्ट किसी का संपर्क हो, संबंध हो, तो वो राजनाथ सिंह से बोलेंगे या मोहन भागवत जी से बोलेंगे हमारा काम कराओ? नरेंद्र मोदी क्या होगा, सीधे जाएंगे, वो खुद जाएंगे
कि प्रधानी मेरे साथ ये परेशानियां, मेरे ये काम करवा दीजिए या कैसा भी हो प्रबंध कराइए, किसी और बिचौलिया की आवश्यकता नहीं है। तो जब ये पुत्र परमात्मा के ही है और परमात्मा के संतान है, परमात्मा के संतान होने के कारण अपने पिता से ही जाकर के बोलेंगे और साईं के पास जाकर के लेने के लिए, क्या लेने के लिए? बोले साहब आप तो आस्था पर पुकारागत कर रहे हैं। मैंने कहा आपकी आस्था क्या है? बोले हमारी आस्था हम भगवान मानते हैं। मैंने कहा आस्था धर्म के साथ आस्था का कोई ताल्लुक नहीं है, कोसों कोसों दूर तक धर्म के साथ आस्था का कोई संबंध नहीं है। बोले कैसा? मैंने कहा आपकी आस्था है, आप आस्थावान है। बोले हाँ। मैंने कहा एक मुट्ठी रेत उठा ली है और आपकी आस्था है, आप कहिए कि ये चीनी है, और आपकी आस्था उस रेत को चीनी बना करके दिखा दे, मैं भी बन जाऊंगा। अच्छा मैं जो जिम्मेदारी के साथ बोला, रेत का चीनी बनना संभव है? नहीं। रेत का चीनी बनना संभव नहीं, क्यों? कि रेत का नाम निरर्थक हो जाएगा। एक ही इसलिए मैं बोला था ना कि परमात्मा के यानी ईश्वर प्रदत्त सामानों पे हस्तक्षेप मनुष्य का करना संभव नहीं है। यही कारण बना कि ईश्वर प्रदत्त जितने भी सामान है वो सामान पहले है, जरूरत बाद में है। जैसा देखने से पहले सूरज है, भूख से पहले खुराक है, प्यास से पहले पानी है, चलने से पहले धरती है, और धरती पर चलने के लिए ज्ञान है, ये ईश्वर प्रदत्त सामान है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी कमी आना संभव नहीं और किसी के द्वारा कमी लाना भी संभव नहीं। अब रेत को कोई चीनी मान ले, रेत का चीनी बन जाए, तो रेत का चीनी बनने का मतलब ये हुआ, किसी ने बोला कि एक बांझ महिला ने संतान को जन्म दी, संभव है? क्योंकि बांझ नाम भी निरर्थक हो जाए, बांझ वही है जो संतान जन्म नहीं दे सकती, इसका नाम बांझ है, और रेत वही है जो चिनाई में काम लेते हैं हम, चीनी वही है जो मीठा लगता है, चाय अंधेरे में खाएं या उजाले में, चीनी अंधेरे में कैसा लगेगा? मीठा। और उजाले में? मीठा। चीनी का गुण है। इसीलिए आस्था आपकी कैसी हो, मैंने कहा आप अगर आपकी आस्था है, आप गोबर को हलवा मान करके दिखा दिए आस्था काम कर जाएगा वहां पर? तो ये आस्था कैसी है? जब आप परमात्मा के संतान खुद कह रहे हैं और परमात्मा के संतान हो करके आप उस परमात्मा को छोड़कर, पिता को छोड़कर साईं के पास कौन सा दूध लेने के लिए गया? अब साईं के पास दूध लेने के लिए नहीं गए, लेकिन दूध अगर चढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो खालिस दूध आप भी नहीं ले जा रहे, पानी पिला कर ले सर। अब वो साईं को भी पता नहीं लग पा रहा कि ये पानी मिला दूध है या प्योर दूध है, क्या हो रहा है? ईश्वर के साथ मजाक हो रहा है। इसीलिए मैंने निवेदन किया कि आस्था के साथ धर्म का कोसों कोसों दूर तक कोई संबंध नहीं है। धर्म ही है, आदि सृष्टि से परमात्मा ने जो वस्तु जैसा बनाया उसको ठीक ठीक वैसा ही रहना है। कब तक? प्रलय तक। मिट्टी को मिट्टी रहना है, मिट्टी का गुण बनना संभव नहीं है। अब मिट्टी के डेरा को कोई गुण बतावे, हो जाएगा गुण? नहीं। गुण बनना संभव होगा? और गुण को कोई मिट्टी बतावे? लोग कहते हैं, कह रहे हैं सच कड़वी है, क्या सच कड़वी है? अब रसगुल्ला को कोई कह दे कि ये कड़वी है तो कोई जाने या ना जाने, मैं एक डॉक्टर होने के नाते मैं जान जाऊंगा इसका आस्वादन शक्ति खत्म हो चुका है, इसका जायका बिगड़ चुका है, इसीलिए ये रसगुल्ला को भी तीता बता रहा है। इसीलिए रसगुल्ला को आप अंधेरे में खाएंगे तो भी उतना ही मीठा लगना है जितना के उजाले में। रसगुल्ला का कभी भी स्वभाव को आप बदल नहीं सकते हैं, चाहे आपकी आस्था रहे या न रहे। यही सत्य है, यही धर्म है, यही कारण बना कि सत्य को धारण करना ही धर्म है, और ये धर्म मनुष्य मात्र के लिए है, किसी जीव जंतु के लिए नहीं, किसी अन्य योनि वालों के लिए नहीं है, ये मनुष्य मात्र के लिए ही है ये धर्म। तो मनुष्य मात्र का धर्म एक होता है, ना कि अलग अलग। आप कहेंगे कि अलग अलग ये सब लोग कह रहे हैं। अच्छा बंधु जिम्मेदारी के साथ बोलना, मैं जिम्मेदारी
जिम्मेदारी के साथ पूछ रहा हूँ कि हम और आप अपने माँ को माँ बोलते हैं या साली पीछे वाले शायद अपने माँ को क्या बोलते हैं? तो मुसलमान माँ को साली कहते हैं तो वो भी माँ कह रहे हैं, हम भी माँ कह रहे हैं, तो भेद कहाँ हो गया, धर्माना कहाँ हो गया? तो वो भी माँ कह रहे हैं, हम भी माँ कह रहे हैं, ईसाई भी माँ कह रहे हैं, जैनी भी माँ कह रहे हैं, बौद्ध भी माँ कह रहे हैं, फिर अलग धर्म कहाँ हो गया? अच्छा, वो पुरुष को पुरुष मानते हैं या हम पुरुष को स्त्री मानते हैं? वो लोग पुरुष को पुरुष मानते और हम कहीं पुरुष को स्त्री मानते, ऐसा है? अच्छा, सूर्य को वो सूर्य मानते और हम भी चंद्रमा मानते हैं क्या? सूर्य उनको जितना प्रकाश दे रहा है हमें भी उतना ही, सबको प्राणी मानते। सूर्य किसके द्वारा संचालित है? परमात्मा के द्वारा, अल्लाह द्वारा? अल्लाह द्वारा संचालित होता तो हिंदुओं को देता ही नहीं। कुरान के आधार पर मैं दिखा दूंगा, एक एक करके अलग अलग करके बता दूं। ये अय्युह नबी जिहाद कुफार वल मुनाफिकून वगलुज अलैहिम, ऐ नबी तुम ताकीद करो, जिहाद करो मुनाफिक और काफिरों के खिलाफ। 20 मुसलमान अगर सबर वाला है तो 100 काफिरों पर भारी पड़ेंगे। 20 मुसलमान 100 काफिरों पर भारी पड़ेंगे, भारी पड़ेंगे, और 100 मुसलमान हैं तो हजारों काफिरों पर भारी पड़ेंगे। तो अल्लाह काफिरों को देखना चाह रहा है क्या? तो जब अल्लाह काफिरों को देखना नहीं चाह रहा है तो सूरज या प्रकाश अल्लाह का होना कैसे संभव हो गया? है? सूरज अल्लाह का बनाया हुआ संभव कैसा हुआ? कोई लाए दलील, कोई प्रमाण प्रस्तुत करे कि जब अल्लाह फूटी आंखों से भी काफिरों को देखना नहीं चाहता। इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, कह दिया अल्लाह ने, एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है, बाकी कोई और दीन नहीं, कोई और धर्म नहीं है। तो फिर और धर्म वालों के लिए जो ईश्वर प्रदत्त सामानों से जो ये लाभान्वित हो रहे हैं, चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, आकाश हो, वायु हो, और जितने भी नक्षत्र हैं, ग्रह और उपग्रह, वो सब लाभान्वित हो रहे हैं। तो कुरान के अनुसार अल्लाह का अगर होता तो औरों को सबको दे देता क्या? अब मुसलमानों करके तुम 20 मुसलमानों 100 काफिरों पर भारी पड़ोगे, तो अल्लाह अगर सूरज देना बंद कर दे काफिर को, वहां पर 20 नहीं, वहां पर तो करोड़ों काफिरों पर भारी पड़ जाएगा अल्लाह अकेला। 20 मुसलमान क्यों गिन ले? अल्लाह करे ना कुछ किस काम को, सूरज को देना बंद कर दे, अपने आप मुसलमानों को बरगड़ा दे, कैसा मतलब है? झगड़ा कौन करा रहा है? अल्लाह। कहां से झगड़ा शुरू हो रहा है? ये सब कंट्रोल ना हो रहे तभी बात बनी, को सारा खजाना में चौकआउट करके दिया हूं। ये लोग बगदादी को दोष दे रहे हैं, बगदादी दोषी ने, बगदादी को प्रेरणा कौन दे रहा है? बगदादी प्रेरणा कहां से ले रहा है? दोषी वो है। नेट पर मैं सारा काम करके दिया हूं, इसलिए बंधु मैं निवेदन कर रहा हूं, कल तो केवल मारा ही हुआ था आखिरी दिन है, आखिरी दिन तो आप लोगों के लिए साल भर के लिए, और हमें तो रोज काम करना है, हमें रुकना पड़ रही है। इसलिए बंधुओं मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ये मानव समाज के अंदर में विश्व बोलने का काम इन्हीं लोगों के द्वारा ही हुआ है, जिनको शांति का दूध बताया जा रहा है। इस किताब में शक शुबा की गुंजाइश नहीं है, तो इस किताब उसमें शक करने की गुंजाइश हो तो भी ना करो, और शक करने की गुंजाइश क्यों है तो देखिए फिर ये क्या बात। यौमनत में समय कतुब कमा बदा खल की नौ बादन अलैहि
कुन्ना फाइलीन। कयामत के दिन आसमान को लपेट दिया जाएगा जैसा कागज रिमों में लपेटा जाता है। आसमान को घुटा लिया जाएगा जैसा चिठाई को घुटाया जाता है। आसमान को तय कर लिया जाएगा जैसा कपड़ा तय कर लिया जाता है। मैंने पूछा आसमान है क्या, पहले उसको भी बताओ कपड़ा है कागज है या चिठाई। बोले कुछ भी हो जो लिखा वही सच है। अभी कपिल जी को किसी ने लिखा या कोई इनके साथ चैटिंग में कोई है, वो अंधविश्वास उन्मूलन के ऊपर हिंदुओं के क्या अंधविश्वास है उस पर वो लिखा। अब वो लिखा कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैंने इनको लिखवा दिया कि उसको पूछो कि तुम पढ़े लिखे हो पर पढ़ने लिखने से तुम्हारा क्या मतलब। पढ़ने लिखते लोग इसलिए है कि दिमागी विकास के लिए, लेकिन तुम दिमाग से कोई निर्णय नहीं ले पाओगे तो लिखने पढ़ने से क्या मतलब होगा। बोले कैसे नहीं ले पाएंगे। मैंने कहा कि वल्लती अहसनत फर्जहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वबना आयतन लिलआलमीन। अल्लाह ताला ने मरियम के शर्मगाह में फूंक मार दिया, मरियम गर्भवती हो गई। ये पढ़े लिखे लोग पढ़ेंगे, नोट कर लेना सूरह अंबिया आयत नंबर 91। अल्लाह ने मरियम के शर्मगाह में फूंक मार। मैं ये बेचारे ने जवाब देकर फंसा, इस्लाम उस पुस्तक में लिखा तो उसमें कई मुसलमानों ने कहा कि आपने ये तो अल्लाह पर दोष लगाया, अल्लाह ने फूंक नहीं मारी। मैंने कहा किसने मारा वो बताओ। अरे फरिश्तों ने मारी। मैंने चल मरवा तो दिया। और फूंक मारने से महिला गर्भवती होती है। अब ये हिंदू भी आकर दुश्मन ने सूरज को दिखा दिया, सूरज के किरण से कुंती गर्भवती हो गई। सूरज तब भी था अब भी है। सूरज के साथ कोई आदमी का नाम हो सकता है अलग बात है, लेकिन सूरज के किरण से महिला गर्भवती हो जाए कैसे संभव होगा। तो छह दिन आरोप सुना है कौसा आपको नहीं पता बराबर ही क्या छह दिन आरोप चाहे सुना की लाभ। अब कुरान कहता है इस पर शक ना करो। ये स्वामी यही पूछ रहे थे जो हम दोनों तब होते हैं एक साथ तो खाली हमारी चर्चा दोनों की यही रहती है। ये भी अच्छे जानकार है। तो मैंने भी मदद किया कि जहां पर यह बताया गया है कि मरियम के गुप्त इंद्रिय में अल्लाह ने फूंक मार दिया, मरियम गर्भवती हो गई। ये काम अगर अल्लाह का है अंदाजा लगाइए, ये काम अगर अल्लाह का है तो उनके बंदों का काम क्या होगा। इसलिए तो मैं कहा करता हूं कि बंदों को देख कर मुनकिर हुई है दुनिया, कैसे बंदे हैं जिस खुदा की, वो खुदा कोई अच्छा खुदा ना होगा। वो भी महेंद्रपाल नहीं कह रहा है, महेंद्रपाल नहीं लिख रहा है, एक मुसलमान ने लिखा। मुसलमानों ने यहां तक लिखा कि नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए, सदा खानकाहों में चादर चढ़ाए, मदारों से दिन रात मांगी दुआए, तौहीद में कुछ खबर इससे न आए, न ईमान बिगड़े न इस्लाम जाए। ये अल्ताफ हुसैन हाली लिख रहे हैं, हरियाणा पानीपत के रहने वाले थे, जिनकी पुस्तक का नाम है मुसद्दस हाली, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखी। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं ये विडंबना है। तो मैंने बोला कि पढ़ने लिखने से क्या मतलब है, जो पढ़ लिख करके जो दिमागी विकास के लिए लोग लिखते पढ़ते हैं, तो तुम्हारा पढ़ने लिखने से क्या मतलब हुआ, तुम दिमाग से काम नहीं ले सकते। मैंने एक बात इसमें और लिखवा दी, कि चलो तुम तो पढ़ लिखे हो, पढ़ भी लिया लिख भी लिया, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे जो अधिनायक थे वो कितने पढ़े लिखे थे। बंदो लिख पढ़ने के बाद लोग कोई कलेक्टर बनते हैं या कलेक्टर बनने के बाद लिखते पढ़ते हैं। लिख पढ़ने के बाद।